और छत्तीसगढ़ बीजेपी की प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी के बस्तर दौरे का आज तीसरा दिन है। मिशन 2023 के लिए संगठन को और कैसे मजबूत किया जाए, इस अभियान पर प्रदेश प्रभारी बस्तर के सभी जिलों में कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं की बैठक ले रही हैं। और इसी कड़ी में कांकेर में डी पुरेंदेश्वरी ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। सर्किट हाउस में बातचीत के दौरान बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने कहा कि बस्तर का विकास पूरी तरह रुक गया है। आदिवासियों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि बस्तर में धर्मांतरण बेहद गंभीर समस्या है, जो आदिवासियों की संस्कृति सभ्यता पर एक कुठाराघात है। उन्होंने आदिवासियों को नक्सली बताकर मारने का आरोप लगाते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया है। डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हो रही है यहाँ पे, और जिस तरह से ट्राइबल लोगों की जो इनोसेंस है, उनका जो जो यूज हो रही है, आई थिंक दैट इज अ बिग इश्यू हियर। और इसके साथ धर्मांतरण जो हो रही है यहाँ पे, ये केवल भाजपा का मानना ये है कि धर्मांतरण केवल धर्म तक सीमित रहने वाली बात नहीं है, वो उनके कल्चर पर, उनके जीवन की जो पद्धति शैली होती है, उन पर वार ये हो रही है। तो वहाँ एक आदिवासी को नक्सल बोलकर उनको बेदर्दी से मारा गया, तब नारायणपुर में, तब किसने आवाज उठाई? भाजपा ने ही तो उठाई, भाजपा ने उठाई, और सरकार को मानना पड़ा कि वो नक्सल नहीं था।